स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटूटी में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे स्पेस शटल के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो स्पेस शटल के बारे में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब नासा क्या गोल्स रखा था अपने सामने कि ये हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये लोग सैटर्न V जो उस समय का सबसे बड़ा रॉकेट इन्होंने बनाया था, जो अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, यानी कि ये सुपर हैवी लिफ्ट कैपेसिटी का रॉकेट है, मतलब 50 टन से ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाता है। इसका रिकॉर्ड 130 टन तक पे है। तो मतलब समझ लीजिए पावर के मामले में तो इससे बात ही नहीं करना है, ये बहुत तगड़ा हष्ट पुष्ट रॉकेट था, लेकिन बहुत महंगा भी था। मतलब एक रॉकेट का लॉन्च, चूँकि ये यूज़ एंड थ्रो रॉकेट्स थे, एक बार यूज़ करने का इसका कीमत भरना पड़ता था $1.5 बिलियन, और ये उस टाइम का पैसा नहीं है, ये इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके बता रहा हूँ। तो ये इतना खर्चीला होने के चलते इनको कुछ चाहिए था जो इसको रिप्लेस कर सके, जो सस्ता हो और जिसको रीयूज़ किया जा सके, क्योंकि इतने महंगे महंगे पार्ट्स आप बना के फेंक दे रहे हो तो मतलब महंगा बहुत ही पड़ेगा। इसका मतलब आप कुछ भी करके इसका दाम नहीं घटा पाओगे। तो रीयूज़ करने का आइडिया लाया गया, और एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा काफ़ी इंटरट्वाइंड है, मतलब एक दूसरे से काफ़ी कम्युनिकेशन रहता है उनका, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कई बार कॉन्ट्रैक्ट देता है नासा को। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक शर्त रखी सामने कि मुझे ऐसा कुछ दो जिसका क्विक टर्न अराउंड टाइम हो, मतलब पहला रॉकेट आपने लॉन्च किया, दूसरा रॉकेट आप 15 दिन के अंदर लॉन्च कर दो, तीसरा रॉकेट 30 दिन के अंदर, चौथा रॉकेट 45 दिन के अंदर लॉन्च कर, मतलब इस तरह से कर करके इनको एकदम क्विक टाइम चाहिए था। उसका ज़रूरत इसलिए पड़ा था कि उस दरमियान ये लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट स्टार वॉर्स, मतलब जिसमें ICBM को इंटरसेप्ट करने के लिए खूब सारे तिकड़म लगाए जा रहे थे। क्यों, प्रॉब्लम ये था कि ICBM इंटरसेप्ट करने के लिए एक मिसाइल काफ़ी होता है, लेकिन ये लोग ऑर्बिट में खूब सारे रखना चाह रहे थे ताकि एक भी मिस ना हो जाए, क्योंकि एक ICBM काफ़ी होता है, एक वॉरहेड एक शहर के लिए काफ़ी होता है। तो मान लीजिए कोई रशिया के उस टाइम कई सारे ICBM 20-30 वॉरहेड लेके चलते थे, तो समझिए 10 भी अगर क्रॉस कर गया तो गए। तो उसके लिए इनको तुरंत तुरंत चाहिए था कि ऑर्बिट पर तुरंत से अपना ये लोग स्पेस शील्ड कंप्लीट कर पाए, तो उस कारण से उनको क्विक टर्न अराउंड टाइम चाहिए था। तो सब रिक्वेस्ट को लिया गया, सब चीज़ को कंसिडर करने के बाद हमारे पास जो डिज़ाइन है उसमें SRB यूज़ किया गया। तो SRB काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा था। SRB का मतलब होता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, मतलब समझिए ये ठोस होता है, मतलब इसमें बारूद से चलाया जाता है इसको। तो वो किसी को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि बारूद से चलने वाले रॉकेट जनरली मिसाइल के लिए ठीक रहते हैं, ICBM के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन ये इंसान के लिए सेफ़ नहीं होता है, मतलब क्योंकि अगर एक बार रॉकेट वो चालू हो गया वो तब तक जलता रहेगा जब तक उसका पूरा फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। बीच में ना उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसका पावर कम बेसी नहीं कर पाते हैं ठीक से, और अगर चालू हो गया और आपको किसी कारण से बंद करना भूल जाइए, वो तो हो नहीं सकता। तो इतने झंझट के बाद ICBM में तो SRB यूज़ होता है लेकिन ह्यूमन रेटेड में नहीं यूज़ होता है। तो इसका कारण ये था कि ICBM में SRB यूज़ करने से प्रॉब्लम ये होता है कि SRB को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप SRB टेस्ट करोगे लोगों को पता चल जाएगा आपका ICBM कितना पावरफुल है। तो उस नॉलेज को, उस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए ये नासा के पास गया और बोलते भैया आप SRB यूज़ करो, जिससे SRB का डेवलपमेंट होगा और हमारे ICBM डेवलप हो जाएंगे बिना हमको उसको टेस्ट किए, ताकि उसका सीक्रेट बचा रहे। तो ICBM को सपोर्ट किया गया। फिर ICBM के बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कुछ और सजेशन डाले, जिसमें से एक सजेशन था कि ये पेलोड साइज़ जो आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा होगा, जो वो खुलता है ना छत स्पेस शटल का, वो कितना बड़ा होगा, मतलब कितना जगह चाहिए इसको अपने पेलोड के लिए, वजन नहीं जगह, मतलब वॉल्यूम कितना उसमें जगह हो, कितने लीटर का जगह हो वो चाहिए था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मांग लिया, बहुत बड़ा वजन उतना नहीं मांगा कि मतलब मुझे कई हज़ार टन दो, वजन नहीं मांगा, लेकिन जगह जो मांगा वो काफ़ी ज़्यादा मांगा, और तब उसके हिसाब से शटल बनाया गया। और तो इसको पार्शियल रीयूजबिलिटी के लिए ट्राई किया गया, क्योंकि कोशिश की गई थी कि फुल 100% रीयूजबल सिस्टम बने, लेकिन फिर हिसाब बना कि उसके लिए टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं है। तो हिसाब ये बना कि जो SRB आप देख रहे हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, वो भी काफ़ी महंगे हैं, तो उसको रिकवर किया जाएगा, जब वो जल चुका होगा ख़त्म होकर वो समुंदर में आके लैंड करेगा, और समुंदर में वो पैरासूट से लैंड करेगा ताकि वो पूरा, जैसे अगर फुल स्पीड पर गिरा तो सुहा हो जाएगा, तो स्लोली आके लैंड करेगा, उसको निकाल के आप उसका पूरा मेटल का केसिंग को दोबारा रिफर्बिश करेंगे। और ये आइडिया बहुत बुड़बक वाला आइडिया निकला, क्योंकि शुरू में इन्होंने सोचा कि SRB रिकवर कर रहा है, लेकिन इतना खर्च करना पड़ा SRB को, एक तो इसके ऊपर पूरा रिकवरी सिस्टम लगा ताकि पैराशूट वो सब, उससे इसका लॉन्च पेलोड कैपेसिटी कम हो गया, फिर उसके बाद जब इसको समुंदर में लैंड करता था तो
पूरा केसिंग जो है उसको दोबारा जब बनाना पड़ता था स्टार्ट से लेकर, मतलब उसके पूरा पेंट उखाड़ो फिर उस पर दोबारा करो, इतना महंगा हो जा रहा था कि एंड में हिसाब बना कि अगर सीधे सीधे यूज एंड थ्रो कर दो सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि शिप आपको रखना पड़ेगा रेडी, शिप वहाँ पर जाके उसको कलेक्ट करेगा, फिर उसको लाएगा, ये सब मतलब इलॉन मस्क भी अपना रॉकेट पूरा ला रहा है इसलिए कर रहा है, क्योंकि अगर रॉकेट को सिर्फ टूटे फूटे हालत में लाना पड़ रहा है तो उसका करेगा ही नहीं, क्योंकि 5-6 मिलियन तो उसको बस उसी करने में लग जाता है, सिर्फ वहाँ एक शिप भेजने में, शिप से कलेक्ट करने में, वापस लाने में लग जाता है। तो समझ सकते हैं ये आइडिया तो सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन अदर लेकिन मेन चीज़ जो रिकवर करने का मतलब मेन फोकस था वो था ये इंजन जो आप देख रहे हैं, इसमें से ये दो है ऑर्बिटल मनूवरिंग इंजन जो मतलब ऑर्बिट पे जाने के बाद चलाया जाता है, और ये तीन है मेन इंजन जिसको स्पेस शटल मेन इंजन कहा जाता है, ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलती है, जो कि फ्यूल मतलब कहाँ पे ईंधन है वो ईंधन बाहर का वो जो ऑरेंज टैंक आप देख रहे हैं उसमें रखा जाता है, उससे इसमें फ्यूल डाला जाता है, पाइप्स रहते हैं और इसको इससे चलाया जाता है, और इंजन सबसे महंगा होता है रॉकेट में, रॉकेट के सब चीज़ फ्री ही समझ लीजिए है इसके दाम के आगे, तो इसको बचाने का इनका आइडिया था। तो ये हमारा डिज़ाइन हुआ, तो ठीक है डिज़ाइन तो हुआ, लेकिन मिला क्या हम लोग को, मिला एक कि इसका टर्न अराउंड टाइम मतलब कितने एक लॉन्च के बाद दूसरे लॉन्च के बीच का गैप जो था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब नासा इसको स्पेस बस के तरह सेल कर रही थी कि हमारे आप बहुत सारे सैटेलाइट आप लॉन्च कीजिए और सैटेलाइट कुछ बिगड़ेगा तो हम दोबारा आप भेज देंगे आप रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन हुआ इतना स्लो ये कि मतलब एक साल में 4 लॉन्च करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, 5-6 लॉन्च के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया गया, मतलब शुरू शुरू में लोग सोचे कि 1 लॉन्च के बाद सुधर जाएगा लेकिन हालत नहीं सुधरा, तो टर्न अराउंड टाइम में तो सीधे बंद हो गया, और इस कारण से नासा बीच में एक और प्रोजेक्ट पर काम करने लगा, मतलब काम नहीं साइड में डेवलपमेंट चला रहा था जिसके बारे में मैंने यहाँ वीडियो बनाया है, वो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाहता था कि वो कंप्लीट कर लिया जाए ताकि तुरंत तुरंत आना जाना पॉसिबल हो सके, तो टर्न अराउंड टाइम में तो ये फेल हो गया। दूसरा कि इसको बनाया गया था कि भाई सैटर्न 5 से सस्ता रहे, वो भी नहीं हो पाया, इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हिसाब ये आता कि $1 बिलियन से लेके $1.5 बिलियन पर लॉन्च लगा, तो सैटर्न 5 ही यूज़ कर लेते, वो तो ह्यूमन रेटेड था, बन चुका था, सब चीज़ हो चुका था, और प्लस वो इससे बहुत ज़्यादा पेलोड ले जा सकते, ये 30 टन में बैंड बच जाएगी और वो 130 टन ले जाता है, तो वो एक्स्ट्रा 100 टन आप ले जा सकते थे, और वो बड़ा पेलोड भी ले जा सकता था, मतलब स्काई लैब एक पूरा स्पेस स्टेशन उसने एक बार में डाल चुका था वो ऑर्बिट में, तो मतलब आप समझिए अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पार्ट्स इससे भेजे जा रहे तो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स भेजे जा सकते थे, और 2-3 मिशन में इनका मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता, उसके बाद सिर्फ ह्यूमन आते जाते रहते, तो जब सस्ता नहीं हुआ कम पेलोड कैपेसिटी दिया तो एटलीस्ट सेफ तो है, नहीं ये सबसे ख़राब रॉकेट माना जाता है नासा का, क्योंकि नासा के बहुत सारे और रॉकेट्स हैं और सैटर्न 5 जो कि मतलब चांद तक गया उसमें भी किसी की जान नहीं गई, मतलब ऐसा नहीं कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक पिक्चर आई थी अपोलो 13 मतलब रियल इवेंट पे बेस्ड है, अपोलो 13 मिशन में काफ़ी तिगड़म हो गया और 13 नंबर के ऊपर जो काला धब्बा है वो और बड़ा हो गया, लेकिन उसमें भी लोग जिंदा बच के आराम से सेफली लैंड कर गए, मतलब आपके लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, इसमें 2 बार एक्सीडेंट हुआ और दोनों बार 7-7 एस्ट्रोनॉट साफ हो गए, मतलब 14 एस्ट्रोनॉट टोटल गए, और आप तो इसको न्यूज़ में देखे ही होंगे जब कल्पना चावला का जो आप नाम सुनते हैं वो दूसरे स्पेस शटल डिजास्टर में सुहा हो गए थे, तो हुआ क्या था कि पहला स्पेस शटल डिजास्टर में जब ऐसा मतलब इन्होंने लॉन्च पैड में लगाया, फ्यूलिंग व्यूलिंग कर दी, एस्ट्रोनॉट्स को बैठा दिया, रेंज को क्लियर करने लगे कि भाई अब लॉन्च करना है, अपर एटमॉस्फेयर का वेदर अनस्टेबल हो गया, तो इन्होंने बोला कि लॉन्च को रोकते हैं थोड़ा देर के लिए कि देखते हैं वहाँ एटमॉस्फेयर अगर शांत हो जाएगा तब दोबारा लॉन्च कर देंगे, तो जिस टाइम उन्होंने रोका तो रोकते रोकते बहुत देर रुक गए ताकि वेदर क्लियर हो, तो उस दरमियान बाहर का तापमान जो था, ये रात के समय की बात है, वो बहुत नीचे चला गया, तो वो तापमान इतना कम हो गया कि बर्फ जमने लगी रॉकेट के ऊपर, तो उस दरमियान एक इंजीनियर ने फ़ोन किया नासा को, मतलब जो वहीं पे काम कर रहा था, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ये जो हमारे SRB जो वाइट कलर के आप रॉकेट लगाए उसमें जो ओरिंग्स हैं मतलब जहाँ जहाँ पे अटैचमेंट है, 4 सेगमेंट आप सुनेंगे कि SRB 4 सेगमेंट का है, तो उसको जहाँ पे जोड़ा गया है वो ओरिंग से जोड़ा गया है, वो ओरिंग एक रबड़ का चीज़ है, तो रबड़ के बारे में आप जानते होंगे, रबड़ अगर ठंडा हो जाए तो वो ठीक से इलास्टिक नहीं रहता है, मतलब अगर आप उससे कोई सील बनाएं वो ठंडे माहौल में अच्छे से काम नहीं करेगा, और वो ओरिंग को बनाया नहीं गया था कि वो कम टेम्परेचर पर काम कर सके, मतलब आप ऐसा बना सकते हैं, आप ऐसा चीज़ बना सकते हैं जो मतलब कहिए हिमालय में काम करे या मतलब एकदम अंटार्कटिक में काम करे, लेकिन आपको बनाना होगा, इसका बनाया नहीं गया था, तो इसने फ़ोन करके बोला कि ये ओरिंग फेल हो सकता है, प्लीज़ स्क्रब द लॉन्च, नहीं किया गया, उसकी बात को अनदेखा कर दिया गया, और ये समझिए रॉकेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये उससे पहले ये वार्निंग आई थी कि ये करो, तो उन्होंने रॉकेट लॉन्च जब किया तो लीक करने लगा SRB से, ये आप धुआं देख रहे हैं
ये लीक करने लगा। लोग को लगा बेटा कुछ तो गया, अब तो गया, लेकिन थोड़ा ही देर लीक किया। और जब लीक करने के बाद ये जब सील हो गया तो पता चला था कि जो रॉकेट से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो वहाँ से जाके वहाँ से बंद कर दिया, मतलब कि ये छेद बंद हो गया। तो ठीक है, किस्मत अगर उनका अच्छा रहता तो चले जाते हैं स्पेस में। लेकिन जैसे वो हाई अल्टीट्यूड गए, जो बोल रहा था वेदर अनस्टेबल था, तो एक जेट स्ट्रीम इनसे भिड़ा, तो वो जो वहाँ पे जाम हुआ था वो खुल गया और उस टाइम पूरा आग सीधे फ्यूल टैंक को छेद कर दिया। और फ्यूल टैंक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो कबूम। तो पहला मिस्टेक तो इतना बुरा था, क्योंकि मतलब समझिए, ऐसा नहीं हर कोई बोलता है ना कि मतलब हो जाने के बाद कोई बंदा नहीं मुझे तो पहले से ही पता था, नहीं, इस रिकॉर्ड में है, डिटेल में है, पहले ही बताया गया कि मत कीजिए। अनदेखा करके आपने लॉन्च किया और लोग ऊपर गए। फिर दूसरा जो जिसमें कल्पना चावला ऊपर चले गए, उसमें प्रॉब्लम ये था कि जब स्पेस शटल भेजा जाने लगा, ये इंसिडेंट के बाद खूब सारे कैमरे लगाए गए ताकि एकदम अच्छे से ट्रैक किया जा सके। तो जब स्पेस शटल पहुंच गया स्पेस में, तो जब फुटेज को दोबारा इंजीनियर्स लोग चला चला के देख रहे थे कि सब चीज़ सही है कि नहीं, तो उस दरमियान किसी को कुछ दिखा कि कुछ तो हुआ, मतलब ये जो फ्यूल टैंक है इससे कुछ गिरा और स्पेस शटल के जो मतलब ये समझिए स्पेस शटल है इसका डायगोनल विंग पे कुछ गिरा और कुछ हुआ, मतलब क्या है एकदम डिटेल नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली टेलीस्कोप से देख रहा था तो इतना धुंधला धुंधला वीडियो फुटेज है, तो लेकिन कुछ कुछ हुआ, ये लोगों को समझ में आया कुछ कुछ हुआ है। तो रिक्वेस्ट की गई कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा से कि भाई आप प्लीज़ एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे से आप पूरा स्पेस शटल का ऑब्जर्वेशन कीजिए बाहर से, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा डैमेज है तुरंत दिख जाएगा। तो वो उन्होंने नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि नासा को पता था कि अगर मान लीजिए कुछ हो गया है, मान लीजिए जो शील्ड है थर्मल शील्ड, जिसे ये शील्ड का मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल, इसे कहा जाता है कार्बन कार्बन रीइन्फोर्समेंट शील्ड, तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेचर तो इसे आराम संभाल लेगा, टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर इस पर कुछ भी गिरा ये चटक जाता है, ये बहुत नाजुक चीज़ है। तो जो फोम टुकड़ा गिरा था और वो इसमें छेद कर दिया, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये स्पेस शटल का नहीं है, ये जब दोबारा इन्होंने कोशिश किया कि देखते हैं कि क्या होगा अगर फोम गिर जाता है इस पर फुल स्पीड पे, तो टेस्ट के दरमियान पता चला कि वो कार्बन कार्बन आर्मर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुरंत छेद हो जाएगा उसमें। तो ये छेद होने का संभावना इनको पहले से था, फिक्स नहीं था, ये पहले जितना बुरा नहीं था जहाँ एकदम सबको पता है कि कुछ होने वाला है, इस वाले कुछ था, लेकिन उन्होंने ये बात करके छोड़ दी कि अगर मान लो पता भी चल गया तो कर क्या सकते हैं, उनको वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसा तो नहीं है कि बहुत ऑक्सीजन है, और शायद वो मिशन में तो स्पेस स्टेशन भी नहीं जाना था, शायद यही करना था, क्या बोलते हैं मतलब ऑर्बिट करना या पेलोड जो भी हो, मतलब हिसाब ये था कि वो वहाँ लटक जाते और जब तक उनका हवा ख़त्म नहीं होता तब तक रहते और मर जाते उसके बाद, तो मतलब हिसाब ये था कि उनको बताने या ना बताने में कोई फ़ायदा है नहीं, नहीं बताएंगे तो एटलीस्ट खुशी खुशी आएंगे और ऊपर चले जाएंगे, मतलब टेंशन में ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये आपका एक इमेज है थर्मल कैमरा से लिया गया था जिस टाइम लॉन्ड हो रहे, आप देख रहे हैं कि विंग पिघलना शुरू हो गया था, क्योंकि थर्मल में आर्मर में छेद हो गया, गर्म हवा अंदर में डाल के पिघला दी। ये दूसरे बार भी यही हुआ, तो जैसे दूसरा हुआ उसके बाद बना दिया गया नासा के भाई नहीं अब नहीं, अब आप बंद कीजिए, अब बरिया बिस्तर बंद कीजिए, क्योंकि बात सही है कि ये लोग 100 से ज़्यादा मिशन कर गए थे, 100-1 रेशियो पे थे, लेकिन 100-1 एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आपके प्लेन पे 10,000-1 है, 10,000,000-1 पे चले गया है सेफ्टी प्लेन का, तो उस दरमियान इस तरह के स्पेस रेटिंग पे नहीं काम कर। और आप समझिए ये लो अर्थ ऑर्बिट में फटेज आ रहा है जबकि मून पे जाके लौट चुके हैं और किसी को लॉस नहीं हुआ, लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, तो इतना करने के बाद नासा बोले ना ना, तो इतना तिगड़म हो कैसे गया, मतलब इतनी बड़ी कंपनी नासा कैसे ऐसा हो गया। हुआ ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो पहला बेवकूफ़ी किया कि उन्होंने बोल दिया हमें इतना बड़ा जगह दो, जिस सैटेलाइट के लिए उन्होंने जगह मांगा, जो स्पाइस सैटेलाइट के लिए वो जगह मांग रहे थे वो इन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया, तो नासा बेमतलब का एक इतना बड़ा ब्लोटेड स्पेस शटल बनाए जो कभी यूज़ हुआ नहीं। दूसरा, जब नासा बना रही थी तो कुछ ज़्यादा ही भावना में बह गई थी, मतलब उनका आइडिया यह था कि ऐसे स्पेस शटल आएगा, उसका दरवाज़ा खोला जाएगा, पेलोड को डाला जाएगा, लगाया जाएगा, फिर जाइए। रियल लाइफ में इतना तिगड़म लगाना पड़ता है उसका रिफर्बिशमेंट के लिए, तो ये जो थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बैठे थे तो ये लोग दाम सोच रहे थे बहुत कम लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो कितना खर्चा आएगा। और बैड मैनेजमेंट के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, जब लोग की जान चले जा रही है बैड मैनेजमेंट के चलते तो फिर सोचना ही नहीं है। दूसरा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो आपको मैंने जैसे स्पेसएक्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें मैंने कहा था कि स्पेसएक्स की खासियत ये है कि स्पेसएक्स सिंप्लीफाई कर दिया, हर चीज़ को अपना सिंपल कर देता है, एक ही चीज़ को 10 जगह यूज़ करता है, जैसे उन्होंने एक इंजन बनाया जो
जो भी इंजन उन्होंने बना लिया मर्लिन इंजन, और बस उसी को फर्स्ट स्टेज में यूज़ करें, उसी को सेकेंड स्टेज में, बस नॉजल चेंज कर रहे हैं जो कि मतलब एक्टिव पार्ट नहीं है। तो बहुत सिंपल उन्होंने इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया। इसमें तीन तरह के इंजन थे, SRB सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन, दूसरा RS-25 स्पेस शटल मेन इंजन, तीसरा ऑर्बिटल क्लास इंजन, और फिर छोटे मोटे थ्रस्टर्स भी थे जो उसको वर्क सब करते। तो समझिए बहुत सारे चीज़ थे। तो जितना चीज़ आप बढ़ाते जाएंगे, भले सस्ता चीज़ हो लेकिन आप खूब सारे चीज़ को जोड़ते जाएंगे, दाम बहुत बढ़ जाएगा। तो शुरू से ही लोगों को पहले से ही समझ में आने लगा कि स्पेस शटल नहीं ठीक से काम कर पाएगा। तो इतना तिगड़म हुआ, इतने लोगों के जान गया, तो कुछ फायदा हुआ। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा था कि ये नासा को फोर्स कर दिया कि प्राइवेटाइज करो। मतलब सिर्फ नासा से काम नहीं होगा, प्राइवेट फंडिंग करनी जरूरी है। क्योंकि वो इसलिए हुआ कि जब स्पेस शटल को रिटायर किया गया, उस दरमियान कुछ था ही नहीं नासा के पास। SLS जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, वो SLS अभी रेडी नहीं था। तो नासा के पास एक वैक्यूम हो गया कि जिसमें वो नासा के पास कोई पेलोड सेंड करने का, मतलब कि आदमी को मतलब ह्यूमन रेटेड रॉकेट ना होने के चलते से नासा एक ऐसा जगह पर अटक गया जहाँ पर उसको रशिया के पास जाना पड़ रहा है, रशिया के रॉकेट से वो ऊपर जा रहे हैं। तो उस तिगड़म को सुलझाने के लिए इन्होंने प्राइवेट कंपनी से मांगी, और उसका फ़ायदा तो आप जानते ही हैं। और इनका मैनेजमेंट को काफ़ी सुधारा गया, मतलब प्रॉपरली अच्छे से सुधारा गया। और आप देख ही सकते हैं, जैसे ये SpaceX का ये ड्रैगन कैप्सूल है जो कि आ गया, सिर्फ इसके चलते कमर्शियल रीसप्लाई मिशन चालू किया गया। फिर ऑर्बिटल ATK, ये भी दूसरा, ये मैंड है, ये अनमैंड है, ये सिर्फ रीसप्लाई के लिए, इसमें मैन जा और आ सकते हैं। तो बिना प्राइवेटाइजेशन के तो ये तो होता ही नहीं, SpaceX तो होता ही नहीं। दूसरा, जो इंजन बनाया गया था वो बेहतरीन इंजन था। ये इंजन जो है RS-25, ये काफ़ी बेहतरीन इंजन है, मतलब इससे बेटर इंजन बना ही नहीं। ये इंजन का नोजल जो है, इतना स्मार्ट इंजीनियरिंग की गई है कि ये सी लेवल से, मतलब समुद्र तल से अंतरिक्ष तक चलता रहेगा और अब इंजन स्टेबल रहेगा। जनरली अगर आप ऐसा किए नॉर्मल इंजन के साथ, तो या तो वो सी लेवल पर ठीक से नहीं काम करेगा या वैक्यूम नहीं कर रहा, दोनों को नहीं हैंडल कर सकता है। ये बनाया गया था स्पेसिफिकली कि हैंडल कर सके। दूसरा, इसका माइलेज, जो माइलेज आप जानना चाहेंगे, वो काफ़ी अच्छा था। तो आपको एक आइडिया देने के लिए, SpaceX ने अभी रिसेंटली कल ही अपना वीडियो दिया है कि प्राइवेट मून सिटीजन को ले जाने के लिए, तो उस इंजन का, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मीथेन पे चल रही, उस इंजन का भी माइलेज 400 से कम है। ये 450 के आसपास का माइलेज दे चुका है। ये रीयूजेबल है, सी लेवल से स्पेस तक काम करेगा। माइलेज इससे बेटर किसी का है ही नहीं। तो समझ लीजिए कि ये इंजन बहुत अच्छा था, इसीलिए ये इंजन SLS में यूज़ किया जा रहा है। तो ये था सिल्वर लाइनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, सीखने को कुछ मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटी बता दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। और आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।